हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। तो आज अभी यहाँ पे शाम को 6:30 बज चुके हैं। अभी आज मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया अभी तक। जैसा कि मैंने कल बताया था, कल मैं एक नाइट फ्लाइट पे गया था, तो मैं सुबह आया 8 बजे और सो गया। तो बात करें तो गाइस, यही जेट लैग होता है जो मैंने एक वीडियो बनाया था जेट लैग पे, ओवरनाइट जर्नी। और मैं ऐसी कंट्री में गया था जो टू आवर्स से ज़्यादा डिफरेंस था कुवैत से, और पूरी रात ट्रैवल किया आना जाना। ऊपर से उस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जैसे हम रात को कुछ नहीं खाते, दिन में खाते हैं और रात में डाइजेशन के लिए हम सो जाते हैं, तो फ्लाइट पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहा। हालांकि मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैंने डिनर कर लिया अपने कुवैत टाइम के हिसाब से, लेकिन फिर भी जैसे कुछ चलता रहा, मंचिंग, कुछ फ्रूट्स, कभी कुछ चाय, कभी कुछ, तो सुबह तक ब्लोटिंग हो जाती है। फिर ना सोने की वजह से डाइजेशन पूरा नहीं होता, तो स्टमक क्लियर नहीं होता, तो वो सब प्रॉब्लम्स। फिर मैं उठा दिन में 1 बजे, थोड़ा सा कुछ खाया, मैं फिर सो गया, तो नींद पूरी नहीं हो रही थी, थकान। आज मैं जिम भी नहीं गया इसी वजह से। तो यही रूटीन है, यही क्रू लाइफ है जो मैं आपको बताना चाहता था, जिस वजह से मैंने चैनल शुरू किया है। खाली ट्रैवलिंग और बाकी मुद्दों का ही नहीं, मतलब एक क्रू लाइफ कैसे एडजस्ट करता है। तो सुबह से कहीं नहीं निकले, कहीं कुछ काम नहीं किया, तो अब मैं और नम्रता निकले हैं। थोड़ा सा कुछ काम था उसका, काफ़ी दिन से पेंडिंग, कुवैत सिटी की तरफ, तो उसको कुछ अपना गोल्ड का रिपेयर कराना था। तो चलते हैं कोई गोल्ड शॉप पे, कुछ देखते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, कुछ पसंद आया तो लेते भी हैं। जेब काटने वाली बात है वैसे तो, फिर भी। तो मिलते हैं गाइस, चलो। गाइस, अभी हम पहुंचे हैं कुवैत सिटी, जहां पे काफ़ी बड़ी गोल्ड मार्केट है, काफ़ी अच्छा और बड़ा बड़ा गोल्ड का सामान मिलता है। ये सब कुवैती डिजाइन्स हैं, ये चौड़े चौड़े, ये तो कुछ भी नहीं है। नम्रता अंदर गई है, अपना पूछ के आती है रिपेयर होता है इधर के नहीं होता है, देखते हैं। पसंद आ गया कुछ? नहीं, इससे सब इंडियन है। बड़े बड़े हार नहीं दिखे, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल गोल्ड नेट टी शर्ट हो गई है। तो
गाइस आपने देखा यहाँ पे दुकानों में गोल्ड के कितने बड़े बड़े हार और पूरी की पूरी टी शर्ट्स नेट वाली, गोल्ड नेट की। तो कुवैत की यही स्पेशलिटी है। नम्रता को लेना था कुछ, लेकिन मेकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो पिछले असल में 2-3 साल से गोल्ड लिया नहीं, तो हम भी थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं मेकिंग को लेके। तो देखते हैं, कुछ दुकानें घूमते हैं, आज नहीं पसंद आया तो फिर दोबारा आएंगे। नम्रता तो जहाँ देखती है कुछ वहीं रुक जाती है। इतने बड़े बड़े सेट देखे लेकिन कुछ आज जैसे पसंद नहीं आया, एक बार दोबारा चक्कर मारना पड़ेगा। तो जहाँ पे पसंद आ रहा था उसकी मेकिंग ज़्यादा थी, और जहाँ पे ठीक लग रहा था वो डिज़ाइन नहीं पसंद आया। और इतने बड़े बड़े हार पसंद आए तो मेरा दोबारा विचार बन रहा है, अब मैं दोबारा शादी करूँगा और बड़े बड़े हार फिर मैं दहेज में लूँगा। जोक्स अपार्ट गाइस, गाइस जाते जाते डिमांड आई है शावरमा खाना है। शावरमा इज़ लाइक चिकन सैंडविच, तो बच्चों के लिए कुछ पैक करा लेते हैं। अच्छी यहाँ सिटी में फेमस शॉप है, तो चलिए गाइस कुछ शावरमा पैक कराते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे कहते हैं मुशक्कल, वो पैक कराते हैं। मैंने कहा मास्क पहन लूँ, यहाँ पे अभी पुलिस का सायरन हॉर्न बजने लग गया। هلا هلا حبيبي هلا كيف حالك انت؟ تمام زين زين حبيبي. هذا الدجاج هذا اللحم ها؟ دجاج وهذا لحم. انت ياكل دجاج بعد؟ لا لا ياكل دجاج بالمدام. جايز يا شاورما آپنا انديا مي بي ديكا هوگا تو يي لحم ہے، لحم بیف کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہ چکن ہے، یہ اپنے ایجپشن بھائی ہیں جو بنا رہے ہیں۔ मुर्गी तो कुछ बच्चों के लिए शावरमा पैक कराते हैं। मुशक्कल यानी वेज सैंडविच है, वो पैक कराते हैं। अंदर से अभी कराया एक, और घर चलते हैं। तो ये एक इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा आज के लिए। यस आपको आज मैंने माला माल कर दिया कुवैत की सोने की मार्केट को घुमा के। खैर काम हमारा था, तो गाइस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय।